नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। बात की जाए कोरोना महामारी की तो लगातार जो है लोग पिछले 2 साल से इससे जूझ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वहीं बात की जाए वैक्सीनेशन की तो जहां 45 साल की जो आयु वर्ग हैं उनके ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए भी जो है वैक्सीन जो है वो आ गई थी और 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं बच्चे जो हैं उनके लिए भी जो है वैक्सीन आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ार था कि जिस तरीके से बात की जाती है कि तीसरी वेव जो है छोटे बच्चों पे जो है सबसे ज़्यादा असर करेगी और तीसरी वेव की आने की जो लहर अगर बात की जा रही है तो किस तरीके का असर होगा बच्चों पे वो भी देखना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर जो है अब निकल कर आ रही है कि वैक्सीन जो है बच्चों के लिए जल्द हो सकता है उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो लगातार जो है यहाँ पर भी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं और यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन के बिना जो है कोई भी जो है दाखिला नहीं ले सकता। तो वहीं अब अच्छी खबर है कि ट्रायल्स जो है लगातार चल रहे हैं वैक्सीन के। आपको बता दें कि 12 से 18 साल का एक ग्रुप जो है डिसाइड किया गया है, 6 से 12 साल का एक ग्रुप और 2 से जो है 6 साल का एक ग्रुप। तो कोवैक्सीन जो है वो ट्रायल पे ली गई है और लगातार जो है 525 बच्चे जो हैं उन पर लगातार इस चीज़ का जो है ट्रायल चल रहा है। और आपको बता दें कि पहली डोज का जो ट्रायल है वो हो चुका है लेकिन दूसरी डोज का ट्रायल जो है वो लगातार चल रहा है और मई के जो आखिरी सप्ताह था उसमें जो है ये वैक्सीन का ट्रायल जो है शुरू कर दिया गया था। और लगातार जिस तरीके से ट्रायल्स चल रहे हैं अब ये देखना है कि कब जो है वैक्सीन उपलब्ध होती है ताकि बच्चे जो है जाकर अपना टीकाकरण करवा सकें, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जाती है तो लगातार यही कहा जाता है कि बच्चों पे ज़्यादा जो है प्रभाव रहेगा। आपको बता दें इसी के साथ साथ आयु वर्ग जो है अलग अलग डिसाइड किए गए हैं, तो बच्चों पर जो ट्रायल्स चल रहा है फिलहाल जो है सब कुछ देखा जा रहा है और उनको जो है निगरानी में रखा गया है कि किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं देखने को ना मिले और लगातार ट्रायल्स जो है वो बच्चों के चल रहे हैं और अगस्त या सितंबर मिड में हो सकता है जो बच्चों के लिए वैक्सीन है वो प्रोवाइड कर दी जाए और बच्चे जो है अपनी टीकाकरण जो है करवा सकते हैं। तो ये तीनों आयु वर्ग के जितने भी ग्रुप्स हैं तो इनमें जो है ट्रायल चल रही है। आपको बता दें इसी के साथ साथ टीकाकरण होने के बाद 28 दिन, उसके बाद 56 दिन और उसके बाद 118 दिन के बाद तक जो है ब्लड टेस्ट जो है बच्चों का चेक किया जाएगा ताकि उनका जो इम्यूनिटी की बात की जाती है वो देखी जाएगी कि किस तरीके से इम्यूनिटी जो है उनकी बिल्ड की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार तीसरी लहर की बात की जाती है तो अब डोजेज जो है बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और जहाँ टीकाकरण की बात आती है तो लगातार 100% का जो टारगेट है हर जगह वो कंप्लीट करने के लिए लगातार जो है प्रशासन भी जुड़ी हुई है। चाहे वो 45 वर्ग के ऊपर के लोगों की बात की जाए, चाहे वो 18 साल के बच्चों के जितने भी 18 साल के उम्र के बच्चे हैं उनकी बात की जाए। तो जिस तरीके से लगातार अब वैक्सीन की ट्रायल्स जो चल रही हैं एक खुशखबरी हो सकती है कि बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द जो है वैक्सीन जो है उपलब्ध करा दी जाए और हो सकता है अगस्त या सितंबर मिड में जो है बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन आ जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि पूरे इंडिया में 6 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बच्चों के वैक्सीन के ट्रायल लगातार चल रहे हैं और कोवैक्सीन जो है उसके ट्रायल चल रहे हैं और दूसरे डोज के ट्रायल्स अभी फिलहाल दोबारा शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले का डोज जो है वो दे चुके हैं और देखा जा रहा है कि किस तरीके से लगातार बच्चों को किस तरीके से तीसरी लहर आने से पहले जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाए ताकि जो तीसरी लहर की बात की जा रही है तो पूरा देश जो है उससे लड़ने के लिए जिस तरीके से तैयार है। और जहां बच्चों की बात की जाती है कि तीसरी लहर उन पे सबसे ज़्यादा असर करेगी तो बच्चों पे टीकाकरण कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो भी देखा जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा था और आपको बता दें कि लगातार ये तीनों वर्ग जो है उनकी ट्रायल्स चल रही हैं और फाइनल ट्रायल जो है अगस्त एंडिंग तक जो है वो देखा जाएगा और फिर जो है वैक्सीन उपलब्ध जो है वो करा दी जाएगी। और बात की जाए पिछले 24 घंटों की जम्मू कश्मीर की तो 137 जो है आंकड़े ऐसे नज़र आए हैं कोरोना महामारी के जो कोरोना पॉजिटिव हैं। फिलहाल के लिए एक ही डेथ जो है पिछले 24 घंटे में जो है देखी गई है और लगातार यही हम आपसे कहते हैं कि जितनी भी गाइडलाइंस है उसका पालन पूरे तरीके से कीजिए, चाहे प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, चाहे मास्क और सैनिटाइजर्स की बात की जाए, तो लगातार जो है उसका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।